हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में अच्छे से होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छे से हूँ। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से होने वाला है कि हम लोगों ने एक शादी में जाना है जो कि है गांव की शादी। अभी मैं गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना रही हूँ और दोपहर के बज चुके हैं 2:30, तो हम निकल चुके हैं रोहतक के लिए क्योंकि रोहतक में है शादी। तो अभी मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, 2 घंटे लगेंगे। अभी हम निकले हैं अभी, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में वहाँ। तो गाइस देखो, धूप भी थोड़ी थोड़ी जा ही रही है, 2:30-3 बजे तक धूप चली जाती है। वैसे तो 4-4:30 तक रहती है, पर आज 2-2.5 बजे तक ही ऐसे लग रहा है भी चली जाएगी धूप। हल्की 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 है बिल्कुल धूप। जैसे जैसे ठंड आने को हो रही है वैसे वैसे ही ना थोड़ी थोड़ी कम हो रही है धूप पहले से। तो मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में वहीं पर ही शादी। ट्रैफिक है, बहुत देर लग जाएगी। आज तुलसी विवाह भी है, सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज श्याम बाबा का बर्थडे भी है, तो सबको उनकी भी शुभकामनाएं। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, आज तुलसी विवाह भी था ना आज, तो चक्कर में भी थोड़ा सा ट्रैफिक था रास्ते में। और अभी तक 4:30 बज गए हैं और अभी तक हम सिर्फ बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। अभी देखो और कितना टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटे हमें लग गए हैं ट्रैफिक के बीच में। अभी देखो और कितना टाइम लगता है, इतना टाइम तो हमें कभी भी नहीं लगा। 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं और अब 2 घंटे होने को हो रहे हैं और अभी तक सिर्फ हम बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। देखिए गाइस, मशहूर पकोड़े बहादुरगढ़ में हम पहुंच गए हैं। 2 घंटे में सिर्फ, अभी 2-2.5 घंटे हो गए, सिर्फ बहादुरगढ़ ही पहुंचे हैं। और यहाँ पे गाइस बहुत अच्छे पकोड़े मिलते हैं, यहाँ बहुत सारी पकोड़े की दुकानें हैं, 7 से 8 दुकानें पकोड़े की ही हैं। ये देखो गाइस, जितने भी आप ये देख रहे हो ना, सब पकोड़े की दुकानें हैं। ये आगे भी हैं, देखिए ये भी बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े, और भी है बहुत सारी, और साथ में चाय भी मिलती है इनके। ये देखिए गाइस, पकौड़े वाले सब पकौड़े, ये देखिए। जब भी बहादुरगढ़ से यहाँ से निकलते हैं तो पकौड़े खाते हैं ज़रूर, बट आज नहीं खाएंगे क्योंकि आज तो हम शादी में जा रहे हैं ना, तो वहीं जाके कुछ ना कुछ खाएंगे, अभी कुछ नहीं खाएंगे। और वैसे भी ऑयली कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो मिलते हैं गाइस, देखो अभी कितनी देर में पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं वहाँ पर, ठीक है? ओके। तो गाइस फाइनली 5 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं गांव के अंदर। यहीं पर ही शादी है, इधर ही, यहाँ पर गांव के अंदर ही छोटा सा बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, वहीं पर ही शादी है। गांव के रास्ते
गाँव का। ये देखिए गाइस बफेलोस। ये भैंस सब जा रही है नहाने धोने। ये भी सब शादी में। तू मारा उसने, उसे मारा उसको, तू कैसे मार रहा है? हटा रहा है ना उनको कि हट जा, गाड़ी आ रही है, हट जा। मार रहा गंडे ने। बाय बफेलोस। खा पी के यहाँ बैठे हैं, अब रात का भी खाना हम खा के जाएंगे यहाँ पर। निकल चुके हैं शादी से और ये उन्होंने हमें बाजी का डब्बा भी दिया है। देखिए गाइस, घर जाके आपको खोल के दिखाऊंगी क्या है इस डिब्बे में, ठीक है? तो मिलते हैं घर पे। गाइस 7 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं, और 7 बजे देखिए गांव का माहौल, ये देखिए कितना सुनसान रास्ता, कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान रास्ता। गाइस यहीं पे हॉरर पिक्चर्स बनती हैं, ये देखिए। एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे गाइस, एक गाड़ी नहीं है, एक बंदा नहीं है। हम जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ पे 15-20 मिनट इस झूले पे बैठ के जाते हैं। अभी हम अंदर भी नहीं गए, बाहर ही हैं, अभी अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं, ऑर्डर करते हैं क्या खाना खाना है ना जो। तो गाइस हम थोड़ी देर रुके हैं कनक ढाबा, कनक ढाबा पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। अब देखो फिर हम चाय पिएगा कि क्या करेगा, मैं सब खाऊंगा, क्योंकि गाइस हम कुछ खा के नहीं आए शादी से, ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ही खाया था हमने, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो उन लोगों में गांव की शादी में ये होता है कि दिन में पहले गांव वाले का लंच होता है, और फिर उसके बाद रात को जब बारात आती है 10 बजे के करीब, 9-10 बजे बारात आती है, तो फिर बारात का डिनर होता है। तो हम लोग 5 बजे गए थे, तब तक तो गांव वाले खाना खा के जा चुके थे हम। और फिर हम खाली पंडाल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर, खाली पंडाल हो चुका था, तो हमने सिर्फ वहाँ पे दही बल्ले खाए थे और एक दो चीज़ें और खाई थी, और खाना वाना ज़्यादा नहीं खाया था। खाना वाना तो था वहाँ पे,
बट सारा ठंडा खाना था तो हमने वहाँ पे खाना वाना नहीं खाया था। और अभी हम कनक ढाबा पे आए हैं। शिवम तो प्रॉपर कह रहा है मैं खाना खाऊंगा, लेकिन अब मैं देखती हूँ, मेरा तो खाना खाने का मूड है नहीं। थोड़ा बहुत मैं भी चाय वाय ले लूँगी मैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस पिछले 15 मिनट से मैं तो ऐसे ही झूले में हूँ और वो लोग अंदर जा चुके हैं। ऑर्डर आ चुके हैं उनका, पर मेरा मन नहीं कर रहा अभी। मैं तो इधर ही बाहर ही हूँ। बाहर तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, यहाँ पे ठंडक है बाहर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के ना। मन नहीं कर रहा, ये भी इंजॉय कर रही हूँ मैं तो। देखो ये मेरे पीछे बाहर की तरफ भी टेबल लगे हुए हैं और गाइस अंदर की तरफ भी काफ़ी टेबल लगे हुए हैं। अंदर जाके रेस्टोरेंट है पूरा, मेरे ख्याल से मेरे पीछे ही बैठे हैं। ये शिवम वेटिंग पे बैठा है, वेट कर रहा है खाने का। और ये गाइस ये देखिए पीछे ये बराती भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये दूल्हा देखो, दूल्हा वेट कर रहा है। कितनी देर हो गई, आधा घंटे से ये दूल्हा आया। देखो दूल्हा, ये दूल्हे के हो गए। ये हमारा शिवम यहाँ पे वेट कर रहा है खाने की। तो ये ग्रोवर साहब भी वेट कर रहे हैं खाली थाली लेके। और ये मेरा पीछे बहुत देर से बेचारा वेट कर रहा है कि जल्दी जाऊं और दुल्हन कब आएगी मेरी, वेट कर रहा है। और गाइस ये देखिए लाइट कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लाइट्स लग रही है ये वाली लाइन भी बहुत सुंदर लग रही है। ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर की, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रही होगी कि बहुत सुंदर लाइट लग रही है। गाइस दूल्हा अपनी जगह पे अभी भी वेट कर रहा है, देखते हैं। दूल्हे की बहन भी आ चुकी है, शायद बहन या भाभी। हमारा शिवम भी ताली बजाते हुए वेट करते हुए ताली बजाते हुए वेट कर रहा है हमारा शिवम। कुछ आए तो मैं खाऊं, हाँ कुछ आए तो मैं खाऊं। बेचारे ने शादी में कुछ नहीं खाया है ना शिवम, ठंडा खाना होने की वजह से इसने शादी में कुछ नहीं खाया। ठंडी ठार रोटी हो गई है, ठंडी ठार ठंडी के चक्कर में खाया नहीं। तो ये आ गया इनका मज़ेदार सा ऑर्डर किया जो इन्होंने, क्या ऑर्डर किया था? बाय बाय गाइस, हम एंजॉय कर रहे हैं अपना मज़ेदार सा फूड। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखिए ये ढाबे पर ही फोटोशूट हो रहा था दूल्हे का, दूल्हा अपनी प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। ये देखो फोटोग्राफी चल रही है उसकी, अभी गाड़ी में बैठने लगा है। उसकी बहन इसको बोल रही है बचा दो मिनट, बार बार गाड़ी की तरफ जा रहा है, बट खिंचवा ली उसने फाइनली, अब वो गाड़ी में बैठने लगा है। अब जा रहे हैं, ये बारात आ चुकी है इनकी और जो इकट्ठे होने थे बंदे हो चुके हैं। तो ये लोग जाएंगे जहाँ पे इनकी मंजिल है वहाँ जाएंगे ये लोग। ये बैठ चुके हैं देखो, वहाँ ना सही हमें तो यहीं बारात देखने को मिल गई। वहाँ बारात नहीं रुके ना, बारात के लिए हम यहाँ रुक लिए, प्रॉपर हमने देख लिया। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये दूल्हा। गाइस फाइनली हमारा डिनर आ चुका है। डिनर में कुछ ज़्यादा नहीं मंगाया क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ भी खा के आए थे और मशरूम टिक्का वगैरह भी मंगवा लिया था, थोड़ा सा खा लिया था। अब सिर्फ एक चपाती लूँगी मैं और थोड़ा सा कढ़ाई पनीर ही मंगाया बस। गाइस
जैसे कि आपको बताया था, हम शादी में गए थे तो वहाँ से हमें भाजी का डिब्बा मिला था, और गांव की भाजी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से उन्होंने हमें दी है भाजी। ये देखिए, ये वो डब्बा है और ये इसमें ये मिठाई है, ये जलेबी है ये, और ये बेसन की बर्फी है, ये लड्डू हैं, और ये मट्ठी है, और ये शक्करपारे हैं। ये मिठाई है गांव की भाजी में, ये डिब्बा उन्होंने हमें दिया है। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं गाइस कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट।